बीजेपी ने 9 साल की उपलब्धियां गिनाकर 2024 के लिए समर्थन जुटाने की तैयारी की है और वहीं कांग्रेस भी अगले लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस देशभर में आज से 9 साल 9 सवाल नाम से कैंपेन शुरू करने जा रही है। 3 दिन के इस कैंपेन में कांग्रेस के 35 नेता देशभर में मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर सरकार को घेरने के लिए एक साथ मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस ने 9 सवालों का एक बुकलेट जारी किया है और मोदी सरकार को कई मोर्चों पर नाकाम बताया है। मैं अभी ठीक 9 साल पहले जनता के भारी आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी भारत की सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तथा 26 मई 2014 को इसी शपथ के साथ पहली बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और तब से लेकर अब तक पीएम मोदी विरोधियों की चुनौतियों के बीच लगातार आगे बढ़ रहे हैं, देश की सियासत में अपना दमखम साबित कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या बीते 9 साल में जनता ने मोदी के नाम पर जिस तरह का विश्वास जताया है, क्या 2024 के चुनाव में भी मोदी वैसा ही चमत्कार कर पाएंगे या विपक्षी दल मोदी के सामने कोई चुनौती खड़ी कर पाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की कवायद के बीच मोदी राज के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस की ओर से 9 सवाल उठाए गए। तमाम मोर्चों पर मोदी सरकार को फेल बताया गया। सवालों की फेरिस्त में कांग्रेस ने अदाणी के मुद्दे का जिक्र किया, चीन से सीमा विवाद पर भी सवाल किया, बंटवारे की राजनीति को बीजेपी का हथियार बताया, केंद्र की नीति को महिला दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया, सवाल जातिगत जनगणना को लेकर भी हुआ, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले का भी आरोप लगा। इसके साथ ही किसानों की आय को लेकर भी कांग्रेस की ओर से सवाल हुआ। हालांकि भले ही कांग्रेस एमएसपी को लेकर सवाल उठा रही हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि मोदी राज में गेहूं चावल की एमएसपी में काफी इजाफा हुआ है, किसानों को आय में फायदा हुआ है। 2014 में प्रति क्विंटल गेहूं पर एमएसपी 1350 रुपए थी, जो अब बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। वहीं 2014 में चावल पर एमएसपी 1310 रुपए से बढ़कर 2040 रुपए पर पहुंच गई है। इसके साथ ही किसानों की मासिक आय जो 2012-13 में 6426 रुपए थी, वो 2018-19 में बढ़कर 10448 रुपए हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के हर हमले की वजह पीएम मोदी से नफरत है, जिसे लेकर विरोध की सियासत है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के साथ अब नजर 24 के चुनावों पर टिकी है, जिसे लेकर अभी से ही मोर्चाबंदी वाली जंग छिड़ी है। कांग्रेस अडानी जैसे मुद्दे को बार बार उठा रही है, अडानी के जरिए जनता के नुकसान का आरोप लगा रही है। साफ है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 24 के चुनावों का शंखनाद हो गया है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। 2024 के चुनाव से सियासत जोरदार है। आज तक ब्यूरो।